बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। MTH 100 फॉल 2023 असाइनमेंट नंबर 1, इंस्ट्रक्टर अरूबा फातिमा। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन दिया और हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है, डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 7x-4 होल डिवाइडेड बाई x+3। वी नो डैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो वी विल राइट y इज इक्वल टू 7x-4 होल डिवाइडेड बाई x+3। तो 7x-4 को आप x+3 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7-25 डिवाइडेड बाई x+3। 25 बाई x+3 इज इक्वल टू 7-y। 25 डिवाइडेड बाई 7-y इज इक्वल टू x+3। x इज इक्वल टू 3y+4 डिवाइडेड बाई 7-y। और y क्योंकि f ऑफ x है तो x होता है f इनवर्स y हमारे पास आ जाएगा 3y+4 डिवाइडेड बाई 7-y। आफ्टर रिप्लेसिंग द वेरिएबल वी विल गेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4 होल डिवाइडेड बाई 7-x। अब इसकी डोमेन और रेंज चेक कर लेंगे तो एक्स की जगह अगर हम 7 पुट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो अनडिफाइंड आता है। इसका मतलब है इसकी डोमेन में 7 नहीं आएगा। तो डोमेन हम लिख लेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल नंबर एक्सेप्ट 7। और रेंज में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हर तरह के नंबर आ जाएंगे। तो रेंज आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ रो एचेलॉन फॉर्म। तो आपने उसमें ये करना होता है कि ये जो ए है उसको लिखने के बाद ये डॉट्स दे के इसके राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लें। अब इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये जो राइट साइड पे आपके पास आया हुआ होगा ये इनवर्स होगा। जैसे आप समझ लें कि आप एचेलॉन फॉर्म बनाते होते हैं, अब जैसे ये 1 है तो इसके नीचे वाले हमने दोनों जीरो करने हैं, तो हम करेंगे R2+3R1 एंड R3-R1। अब ये सारी रो, पहली सारी की सारी रो पे ऑपरेशन अप्लाई होगा, सिर्फ इस पे नहीं बल्कि इस पे भी। इसी तरह जो सेकंड रो है, अब ये कंप्लीट सेकंड रो है, ये कंप्लीट थर्ड रो है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा इसमें हम देख रहे हैं कि ये -2 है। अब हमने इसको 1 बनाना है तो -1/2 ऑफ R3 करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब बाकी सारे तो ठीक है, सिर्फ इन दोनों को अब हमने 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे जी R1-R3, सिमिलरली R2-R3, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। इसमें जो चेंजिंग आएगी वो जो नेट रिजल्ट होगा वो हमारा इनवर्स होगा। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये जो है ये इसका इनवर्स है। अगर आपने चेक करना है कि इनवर्स ठीक है या नहीं ठीक, तो ए को आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके क्वेश्चन और आंसर को मल्टीप्लाई कर लें। अगर रिजल्ट आइडेंटिटी आता है तो आपने ठीक फाइंड किया हुआ। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाता है, इसका मतलब इनवर्स आपने ठीक फाइंड किया है।